तो ये प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है या फिर आप इसे फेस कर चुके हो अगर आप ऑलरेडी इससे पढ़ाई करते हो। सो है दिस इज कनेक्टिंग वी ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपका अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि किन 2.0 में अभी तक का मेरा 45 डेज़ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं आपको शेयर करूंगा। और अगर आप नए हो किन वैसे स्टडी करने वाले हो या किन 2.0 से, या फिर अभी आप स्टडी करते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इस वीडियो में ऐसी कुछ बातें बताऊंगा जो आपको प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड होंगी। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूँ अभी तक का मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। जिस दिन फर्स्ट क्लास हुआ था 29 जुलाई को, उस दिन मैंने फर्स्ट क्लास से ही अटेंड किया था इस बैच में। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 से 4 दिन पढ़ने के बाद में मेरे साथ जो कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, जूलॉजी में मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारी चीज़ें सब समझ में आ रही थी, 80% सारा कुछ सही था, लेकिन 20% कहीं ना कहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। सो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने क्या किया, PGF ऑफ़र जब आया तो मैंने यकीन पॉइंट ओ का भी मुझे मिल गया वो। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं नोमेश सर से अपना जूलॉजी स्टार्ट कर दिया पढ़ना, यकीन ओन 1.0 से, जो कि मैं पढ़ता हूँ अभी, नोमेश सर से ही जूलॉजी पढ़ता हूँ। सो उसके बाद जूलॉजी में तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। और इसमें MR सर हैं जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं, और केमिस्ट्री में पंकज सर जैसे फेमस टीचर हैं, ये सारे फेमस टीचर्स हैं किन 2.0 में। और फेमस से कुछ नहीं होता, सारे टीचर जितने भी APW में सारे अच्छे टीचर्स हैं और सभी इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं। और तरुण सर हैं बॉटनी में जो कि किंग हैं, ये तो मैं बोलूँगा कि ऑल ओवर इंडिया उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता है, मुझे ये पता है। अभी मैं सबको नहीं जानता, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है यकीन 2.0 में जो तरुण सर हैं वो इंडिया के बेस्ट टीचर है बॉटनी के लिए, और उनसे पढ़ के 180/180 कोई भी ला सकता है अगर थोड़ा सा अपना इफ़र्ट डाले तो। सो फ्रेंड्स, उनका जो समझाने का तरीका है तरुण सर का, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अभी तक के मुझे वो बहुत बेस्ट टीचर लगे PW के। और फ्रेंड्स, सारे ही टीचर्स अच्छे हैं यकीन 2.0 में। MR सर का तो सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है, कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जिससे कुछ समझ में नहीं आया। और इसको रिव्यू करने वाले हम कोई नहीं होते हैं कि अच्छा है या नहीं, टीचर अच्छे है कि नहीं, क्योंकि सारे टीचर्स अच्छे होते हैं। बात रही आपने ट्यूनिंग की, इस टीचर का आप अच्छे से समझ पाते हो कंसेप्ट समझाना, और किस टीचर का कैसा समझाने का तरीका है वो भी कुछ डिपेंड करता है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे जूलॉजी में प्रॉब्लम हुई थी, तो इसलिए मैंने नोमेश सर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया जूलॉजी। और बाकी मैं यकीन 2.0 से ही सारा सब्जेक्ट्स पढ़ता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बॉटनी, लेकिन जूलॉजी में नोमेश सर से यकीन 1.0 से मैं पढ़ता हूँ। और ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी मुझे इस बैच में, और अभी तक ये बेस्ट बैच है मुझे ये लगा, और मेरी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। होप आई विल क्रैक नीट 2023 एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, अगर आप नीट प्रिपरेशन कर रहे हो तो। सो फ्रेंड्स, आप लोग को थोड़ा मैं दिखाना चाहूँगा मैं कहाँ वीडियो आके बनाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे बिल्डिंग का छत है, और यहाँ पे बहुत कितनी सारी धूप हो रखी है, और इसी में मैं वीडियोज बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सब आप ही के लिए बनाता हूँ मैं, हेल्प करने के लिए, ताकि आपका कुछ हेल्प हो जाए। और इससे मुझे कोई पैसा भी नहीं मिलता है, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग हेल्प कर सकते हो मेरा भी इस वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।